Thank you. Thank you so much. Thank you to the press for being here today. मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ फर्स्ट अनाउंस करूँ. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि आज मैं जिनके साथ बैठी हुई हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया, परमवीर चक्र है. लेकिन ये सिर्फ एक परमवीर चक्र नहीं, बट एक 19 साल के लड़के को फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में, इन द आर्मी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इज द यंगेस्ट रिसिपियंट ऑफ द परमवीर चक्र एट 19 ईयर्स ऑफ एज. 19 साल की उम्र में इनको परमवीर चक्र मिला. मतलब ये शायद कहते ना, या तो आप बेवकूफ़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं. तो 19 साल की तो खुद बताएंगे कि उस समय इनको क्या महसूस हुआ था. लेकिन टाइगर हिल की जो बैटल थी, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बैटल थी, और सबसे ज़्यादा आई थिंक कुछ 40 लाइव्स भी लॉस्ट. तो वो सबसे एक्सपेंसिव एक तरह से हमारे लिए रही थी कारगिल वॉर में, एंड दैट इज़ वेयर ही फॉट. सो आज हम इसलिए आए हैं, एंड आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीबडी, दैट ही has given us the rights to be able to make a film on his life. And I feel very proud that उन्होंने हमको ये rights दिए हैं, and I'm very thankful. And I hope कि जैसा हमने सूरमा जो मैंने फिल्म बनाई थी, एक और ऐसी बहुत inspirational कहानी संदीप सिंह जी के ऊपर, जो अब he is the sports minister of Haryana. He's done very well after the film. I hope कि जितना हम glorify उनको कर सकें, उससे ज़्यादा हम इन्हें glorify, इनकी journey को glorify कर सकें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें. So इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, and I have wanted to share it with the media, and I hope that you can take this news for me as far as it possibly can travel. It'll help the project, it will help him, it will help us, of course, and I mean that's the honest truth. But isliye hum log aaj yahan, we have come together, and I want to again thank you so much for having given the faith, you know, to put the faith in us ki hum aapki kahani keh sake. Aur ek aur jo mujhe lagta hai ki bahut hi zyada zaruri fact hai, wo ye hai ki aap un teen living recipients mein se hain, kyunki ज़्यादातर पॉस्थमसली परमवीर चक्र दिया जाता है, बिकॉज इज़ द हाइएस्ट ब्रेवरी अवार्ड. तो इफ़ यू हैव लेड योर लाइफ फॉर द कंट्री, तब परमवीर चक्र मिलता है. लेकिन अगेन देर ओनली 3 लिविंग रिसिपियंट्स, उनमें से एक ये हैं. सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टू सिट विद हिम टुडे. एंड आप हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, ऑफ कोर्स मच बेटर. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप सब यहाँ आए. एंड चित्रांत जी, दीपक जी, संजय जी और तमाम मीडिया वाले, मीडिया कर्मी मेरे साथी, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि चित्रांत जी ने मेरे ऊपर एक जो फिल्म बनाने का जो निर्णय लिया है, और ताकि ये कहानी इस देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुँचे, ताकि इस देश और संसार के वो यूथ जो आज 18 साल 19 साल में एक नई दिशा में चले जाते हैं, वो अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व और कर्तव्य का, जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है ना, वो निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, तो उनको उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी कि एक किसान का बेटा जवान बनता है और 16 साल 5 महीने की उम्र में सेना के अंदर भर्ती होता है, और 19 साल की अवस्था में वो कारगिल का युद्ध एक लड़ता है. लेकिन जो सैनिक युद्ध लड़ता है तो वो मेडल के लिए तो नहीं लड़ता है, वो सिर्फ अपने दायित्व और कर्तव्य की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, अपने देशवासियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लड़ता है. उसकी बहादुरी, उसका शौर्य, उसके पराक्रम को देख करके उसका राष्ट्र उसको जो सम्मान देता है, उसको वो सैनिक सहर्ष स्वीकार करता है. और मुझे भारत सरकार ने 19 साल की अवस्था में परमवीर चक्र से नवाजा. मैं इस देश का ऋणी हूँ कि मुझे इस इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया. मुझे 19 साल
की अवस्था में लड़कर के इस तरह की लड़ाई लड़ने का जो सौभाग्य मिला है, वो किस तरह से एक बच्चा के अंदर वो जज्बा पैदा होता है, उसमें क्या वो पागलपन पैदा होता है। तो वो फौज की एक ट्रेनिंग होती है, फौज का जो एक डिसिप्लिन होता है, फौज की जो लीडरशिप होती है, वो उसको इस तरह से तैयार कर देती है कि उसमें इतना जज्बा जुनून भर जाता है कि वो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं है। बस उसको अपने साथी, अपने रेजिमेंट, अपनी सेना, अपने राष्ट्र की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल होता है, और उसी मान मर्यादा और इज्जत के लिए वो अपने आप को नौछावर कर देता है। मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं इस जीवन को परमात्मा के का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मेरा सेकंड जीवन है। लिटरली आप मुझे प्लीज बताइए कि क्यों है वो आपका सेकंड जीवन? क्योंकि टाइगर हिल के ऊपर जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें हम 7 जवान ऊपर थे, और 7 जवान में से जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कट जाती है, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि एक शरीर का एक अंग कटता है, लेकिन फिर भी वो जवान चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि एक नए जोश और जुनून के साथ वो लड़ता है। और इसके लिए मैं नमन करता हूँ इस देश की माओ को, जो ये कहते हैं अपने बेटे और बेटियों से कि छाती का दूध पिलाया है, छाती पर गोली खाना, कभी पीठ पर मत खाना। इसलिए इस हिंदुस्तान के सैनिक, अगर आपने कभी किसी के सैनिक का पार्थिव शरीर देखा होगा, तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, कभी पीठ पर गोलियों के निशान नहीं होते। मैंने अपने साथियों को पल पल इस देश के लिए शहीद होते हुए देखा है। मुझे भी 17 गोलियां लगी थी, और मैं जिस अवस्था में आज अभी जैसे बैठा हूं, इस तरह से लेटा हुआ था, और वो गोलियां मारते हुए चले गए, और मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है बॉडी से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन भी दिला दिया कि ये जिंदा नहीं है, मर गया है। बूट की ठुकरे भी खाई हैं, पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी सुनी हैं, फिर उसके बाद उनको वहां से खदेड़ा भी है, इतना होने के बावजूद भी। क्योंकि कहते हैं कि जब मन और मस्तिष्क के अंदर आप एक विश्वास पैदा कर लेते हो, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, तो क्योंकि जब वो गोलियां मार रहा था, तो मैंने यही एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। आज उसी विश्वास